प्रीवियस टू सीजेरियन फंक्शन, प्रीवियस टू। अच्छा रिपीट करती हूँ मैं, अ जी जी 29 ईयर ओल्ड पेरा हाँ टू प्रीवियस टू सीजेरियन सेक्शन प्रेजेंट हाँ विद फ्रीक्वेंट लोअर एब्डोमिनल पेन फॉर 1 वीक, शी हैड हाँ रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, शी हाँ मिस्ड हर पीरियड लास्ट साइकिल फॉर 15 डेज एंड हाँ हैड द वजाइनल स्पॉटिंग, हाँ हर यूपीटी इज पॉजिटिव, ऑन हाँ एग्जामिनेशन द एब्डोमिनल टेंडर इन द हाइपोगेस्ट्रियम, हाँ अल्ट्रासाउंड शोज द एम्प्टी यूट्रस एंड द एम्प्टी हाँ एंडो सर्वाइकल केनाल एंड देयर इज अ थिन लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम बिटवीन द गेस्टेशनल सेक एंड द ब्लैडर इन द अल्ट्रासाउंड. हाँ बट सो वेयर इज द जेस्टेशनल सैक लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन अल्ट्रासाउंड? मैडम ये सिनेरियो मैंने कहीं से चुराया है, उसमें वो नहीं लिखा नहीं था. ठीक है, चुराया भी होगा, लेकिन इसको जी हमने मॉडिफाई तो करना होता है ना अपनी डिस्कशन के मुताबिक। जी इज इट अ मैडम, रियल केस या आपने खुद से फॉर्मुलेट किया या कोई एग्जाम का सिनेरियो है, मतलब? ये मैडम ये एग्जाम का सिनेरियो है. जी ओके ओके अच्छा ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड पे एम्प्टी यूट्रस एंड एम्प्टी सर्वाइकल केनाल, जी जी मैडम, जी क्योंकि देखो मैडम, एम्प्टी यूट्रस तो बहुत सारी एक्टोपिक्स में होता है, लेकिन एम्प्टी सर्वाइकल केनाल वाली जब चीज आ जाती है तो जी मैडम, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फाइंडिंग होती है। जी मैडम, इसका मतलब है, क्योंकि इसमें जो बहुत ज्यादा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है ना, वो सर्वाइकल प्रेगनेंसी और स्कार एक्टोपिक में आ जाता है, तो एम्प्टी सर्विक्स का फिर इसीलिए साथ उन्होंने बताया होगा, क्योंकि इसमें फिर जो उसकी है स्कार एक्टोपिक का बेसिकली ये केस है आपका। तो जहाँ पे जेस्टेशनल सैक की लोकेशन है एग्जैक्ट, दैट हैज टू बी मेड आउट, क्योंकि इसमें उसकी चाहे एम्प्टी सर्विक्स भी दे दिया या फिर एम्प्टी यूट्रस भी दे दिया, बट स्टिल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द जेस्टेशनल सैक हैज टू बी सॉर्टेड आउट। मैडम बात ये तो जो अभी एग्जाम हुआ है ना मैडम, ये जो अभी मई में हुआ है, ये ठीक है उसका ठीक शायद सिनेरियो है. और उन्होंने ना स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, उन्होंने 5 क्वेश्चन ठीक आगे है से पूछे थे, एक पिक्चर भी ओके दिखाई थी. ओके। तो हाँ यानी आपको सिनेरियो अल्ट्रासाउंड पे यही था बस आपका, जी मैडम, यही बताया यानी मैंने. अल्ट्रासाउंड पे यही थी बस पिक्चर? ओके देन वी विल डिस्कस इट इन द डिस्कशन, ठीक है, यस इसको मैडम, हम बाद के डिस्कशन में डिस्कस कर लेते हैं। जी और मैडम, इसके साथ और क्या प्रॉब्लम? ये तो अल्ट्रासाउंड का हो गया, बस अल्ट्रासाउंड पे फिनिश। अमूमन नहीं अल्ट्रासाउंड मैडम, के फीचर जी मैडम, सबसे आखिर। ये जो सिनेरियो था ना, इसके साथ हाँ एक ठीक पिक्चर दी हुई थी अल्ट्रासाउंड की, और उसमें है जो है ना यूट्रस बड़ा अच्छा सा नीचे बना हुआ था, एक हाँ ट्राइंगुलर शेप एरिया नजर आ रहा है जो कि हाँ कार के नीचे है. तो उसपे फिर ओके उन्होंने ओके। क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस देन एंड दैट स्टार्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। जी तो जी जी और इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस से पहले इसमें जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे, जी यानी जो मैडम, रेलिवेंट हिस्ट्री है बेसिकली। जी मैडम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिटेल हिस्ट्री के बाद आता है और एग्जामिनेशन के बाद आता है, जी मैडम, तो ठीक है। तो चलें अब जी इसमें हाँ मैडम, स्ट्रक्चर डिस्कशन पे चलें, मतलब जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या होंगी इसमें? मैडम मेरी जो ना यही पूछूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल यू कंफर्म इट, हाँ तो इफ द पेशेंट हैज ऑलरेडी दे ऑलरेडी इन्फॉर्मड अस दैट शी डिड द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट दैट इज हाँ पॉजिटिव, और हाँ फिर जो उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो द हाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज दैट माइट बी इट इज द फर्स्ट इज द स्कार एक्टोपिक बिकॉज द हिस्ट्री इज दैट शी इज अ प्रीवियस वन सीजेरियन प्रीवियस टू सीजेरियन सेक्शन हाँ हाँ एंड शी प्रेजेंटेड विथ द वजाइनल स्पॉटिंग विथ द मिस्ड पीरियड्स, सो मोस्ट प्रोबेबली द हाँ फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्कार एक्टोपिक, द सेकेंड वुड बी व्हाट इज कॉल्ड दी मिसकैरेज इनविटेबल, सॉरी व्हाट इज कॉल्ड दी यस मैडम, मिसकैरेज हम कह सकते हैं कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, यूपीटी पॉजिटिव हुई हाँ अर्ली मिसकैरेज, हाँ और हाँ बस डिफरेंशियल में तो ये दो ही आ रहा है मैडम, मैं सुबह से सर्च कर रही हूँ और कुछ मुझे मिला नहीं है. ओके। और जो अल्ट्रासाउंड की पिक्चर पे जो आपको एग्जैक्ट इनके अल्ट्रासाउंड की पिक्चर दी है, तो इसका मतलब है कि आप उसको देख लें फर्दर, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ दो फाइंडिंग्स दी, एम्प्टी यूट्रस एम्प्टी सर्विक्स, ठीक है। अब एम्प्टी यूट्रस और एम्प्टी सर्विक्स के साथ आपकी ये मिस्ड मिस्ड कैरेज तो हो सकता है वन थिंग, स्कार एक्टोपिक इज अनदर थिंग, बट व्हाट एल्स, और क्या डायग्नोसिस है जो इसके साथ हमें कर सकते हैं?
among the ectopics. among the ectopic देखो अगर तो उन अगर तो फर्ज किया ये अल्ट्रासाउंड की पिक्चर पे एग्जैक्टली जो है वो उसकी सैक की लोकेशन इज एग्जैक्टली बिहाइंड द स्कार एरिया, तो इसमें फिर बाकी चीजें निकल जाती हैं, यानी उस क्योंकि उसमें फिर जेस्टेशनल सैक उस तरह से पता नहीं चल, मतलब उस तरह से वो एग्जैक्टली लोकेटेड नॉट लोकेटेड ऑन द सर्विक्स, जो कि हम सर्वाइकल प्रेग्नेंसी में करें, वरना वो भी एक डिफरेंशियल में आता है. तो अच्छा मैडम, अल्ट्रासाउंड की इसकी पिक्चर तीसरी जो होगी ना, फिर आठ तीसरी हंड्रेड डिफरेंशियल में मैडम प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन भी हो सकती है। हाँ नहीं, लेकिन देखो बेटा इसमें प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन में यूपीटी पॉजिटिव आ गया, सारे साइन सिम्टम ये सब चीजें हिस्ट्री जा सकती हैं, बट यू डोंट नो द लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. यस लेकिन अल्ट्रासाउंड की पिक्चर साथ देने से आपका केस एक शॉर्ट साइटेड केस हो गया, यानी एक जो जो एक उसके लिमिटेशंस है ना उन्होंने डिफाइन कर दी कि जी ये पिक्चर है, अब इस पे देख के बताएं कि इसका डिफरेंशियल क्या बनता है. एंड इफ यू कैन सी अ क्लियर जेस्टेशनल सैक उसके बिल्कुल क्लोज टू द प्रीवियस स्कार एरिया, जो कि अमूमन इतनी अर्ली जेस्टेशन पे इज जस्ट अबव द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस. ठीक है, वो तो हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है इंटरनल लॉस का लेवल कौन सा है. तो इंटरनल लॉस के बिल्कुल ऊपर जो चीज है वो स्कार एक्टॉपिक ही होगी या इनकम्प्लीट अबॉर्शन के, जिसमें जेस्टेशनल सैक इज क्वाइट लो इन द एंडोमेट्रियल कैविटी. एंड साथ ही उन्होंने दिया हुआ है कि एम्प्टी यूटरस है, यानी बाकी यूटरस में कुछ नहीं है. अब ये मुझे नहीं पता कि जो अल्ट्रासाउंड की पिक्चर आपको दी गई उसमें ये जेस्टेशनल सैक विजिबल थी या नहीं थी, मैडम क्योंकि अगर तो विजिबल है तो फिर ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाता है, जी जी यानी विजिबल थी इसमें अगर विजिबल थी तो फिर आप इसको जो है वो उस तरह से सर्वाइकल वाली चीज निकल जाएगी. जी जी बिल्कुल मैडम सर्वाइकल में जो है वो इस तरह से उसकी लोकेशन से हमें पता चल जाता है. जी मैडम और ये दूसरी चीज ये कि इसमें एग्जैक्टली बिहाइंड द एरिया ऑफ स्कार वो भी क्लियरली स्कार एक्टॉपिक के उसमें कैटेगरी में ही आएगा. जी और समटाइम्स क्योंकि उसमें फिर बेसिकली अब इसमें ये जो स्कार एक्टॉपिक होती है इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, उसमें बाकी यूटरस को तो एम्प्टी उन्होंने कह दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये एक इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जिसमें जेस्टेशनल सैक इज क्वाइट लो इन द यूट्राइन कैविटी, जी ऐसा मैडम भी तो हो सकता है. जी मैडम विद द लो लाइंग गेस्टेशनल सेक यस मैडम लाइन जो होती है हाँ जिसमें हाँ फिर ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन वाली चीज वो भी, तो जी इसमें मैडम सर्वाइकल प्रेगनेंसी वाली चीज रूल आउट हो जाएगी, रोल आउट हो जाएगी लोकेशन ऑफ द जेस्टेशनल सैक एज शोन इन दो इन दैट पिक्चर. जो मुझे इस वक्त मैं विजुलाइज कर सकती हूँ या समझ सकती हूँ वो ये कि ये बिल्कुल इमिडिएटली अबव द इंटरनल लॉस होगी और बिहाइंड द प्रीवियस स्कार एरिया, जो जाहिर है इतना हम स्कार को अलहदा से तो नहीं देख सकते इतना अर्ली जेस्टेशन पे, लेकिन ये है कि उसमें उसकी लोकेशन अमूमन यही होती है. तो तो फिर इसमें मैडम इसके सिर्फ दो ही बने ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक तो हाँ हम बस ये उसमें कहेंगे बेसिकली हाँ स्कार एक्टोपिक का आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग डायग्नोसिस जी पे बन जाएगा अगर मैडम आपको पिक्चर ना दी हुई होती, तो फिर उसमें दूसरी चीजें आ सकती थी, जी उसमें बिल्कुल फिर इवन वो भी आ जाता था, आ सकता था ये प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन भी आ सकती थी, जी कंप्लीट बिल्कुल मिसकैरेज भी आ सकता था, हाँ इनकम्प्लीट मिसकैरेज भी हो सकता था, डिपेंड करता है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस उसकी कितनी है या रेगुलरिटी उसकी कैसी है. और स्कार एक्टोपिक में तो मतलब वो भी एक है जो कि उसके जी डायग्नोसिस में आ जाता, बट जस्ट टू मेक अ केस एक बिल्कुल जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे लाने के लिए फिर उसमें साथ अल्ट्रासाउंड की पिक्चर रख दी. रख दी ताकि वो टू द पॉइंट हो जाए मैडम डिस्कशन, ये वो बिल्कुल वाली एक एक फोकस्ड फोकस डिस्कशन फिर हो, फिर उसमें दाएं डिस्कशन बाएं उस तरह से जाने के चांसेस ना हो. ना हो जी मैडम नाउ वी विल डिस्कस इट अकॉर्डिंग टू द स्कार एक्टोपिक ओनली, जी मैडम क्योंकि ये फिर केस जो है वो एक क्लोज एंडेड केस है. तो जी मैडम बिल्कुल इसमें अब आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस द मोस्ट लाइकली वुड बी स्कार एक्टोपिक, इसमें फिर और बाकी चीजों की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस लाइकली. वेरी वेरी लेस लाइकली चलो जी अब आगे इसमें आगे मैडम उन्होंने ये पूछा था कि व्हाट व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ द सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी, तो हाँ, एज पर बड़ा गाइडलाइन टिपिकल सा क्वेश्चन है. हाँ जी मैडम अच्छा तो
तो लिखा हुआ था कि इंसिडेंस इज एक्चुअली द 1 पर 1800 टू 1 पर 2500 एज पर गाइडलाइन. हाँ तकरीबन इतना ही है। जी हाँ मैडम, बट जी इज द रिस्क ऑफ इज द पेशेंट इज ऑलरेडी द सिजेरियन सेक्शन, सो माइट बी द चांस इज मोर देन दैट. एंड ऑल्सो दे आस्क अबाउट द रिकरेंसी, इफ शी हैज इट तो वट विल बी द रिकरेंसी ऑफ दैट इन द फ्यूचर प्रेगनेंसीज. हाँ इट वॉज हाँ ऑल्सो दैट के विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन द रिस्क इज ऑल्सो इंक्रीज, सो हाँ रिकरेंसी इज 3.2 to 5 परसेंटेज. ये दोनों के टिपिकल क्वेश्चन थे, ये तो रिकरेंस बड़े के टिपिकल, मतलब जिसको कहते हैं कि एक मेमोराइज करने वाले जो क्वेश्चन है मेमोराइज ना, करने इसमें वाले. ऐसा हाँ कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है, ये तो बस फिगर्स है। अच्छा जी और मैडम. मैडम थर्ड क्वेश्चन वाज दैट के व्हाट आर द मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी. तो एज पर हम अगर गाइडलाइन जाए तो बिकॉज ऑफ द स्कार देयर इज अ रिस्क ऑफ द मेजर हैमरेज व्हाइल वी आर मैनेजिंग द पेशेंट इन द मदर. एंड दूसरी ये हो सकती है कि मैडम रप्चर में जा सकती है और वी हैव दी मेजर सर्जरी एज वेल रिगार्डिंग दैट कॉम्प्लिकेशन लाइक हिस्टेरेक्टॉमी तक हम पहुंच जा सकते हैं. ठीक तो है। हाँ ये दोनों जो है ना उसमें फिर मेजर है. हेमरेज, रप्चर, और ये अगर थोड़ा सा लेट आइडेंटिफाई हो तो उसमें फिर अगर ये मतलब आगे चलता है, क्योंकि देखो इसकी दो टाइप्स होती है ना, एक में स्कार एक्टॉपिक जो है वो इनसाइड एंडोमेट्रियल कैविटी ग्रो कर रही होती है, जी उस मैडम. सूरत में उसका जो एबनॉर्मल ये ढेरन प्लेसेंटा विच पेनिट्रेट इन इन टू द स्कार टिश्यू वो होता है, और उसमें भी लेटर ऑन जाके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। एक वो स्कार एक टॉपिक है जिसमें जेस्टेशनल सैक जो है वो आउट गोइंग आउटर उसकी ग्रोथ होती है टू द सिरोजा, और उसमें फिर अर्ली रप्चर ऑफ स्कार स्कार के चांसेस होते हैं, और जाहिर है दोनों में हेमरेज इज द कॉमन सिनेरियो, और उसमें हेमरेज रप्चर हो गया और ये सारे मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा, तो इसमें इसमें जो है ये बेसिकली यही कॉम्प्लिकेशन इसकी ज्यादा रहेंगी, और इनसे रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वो सारी, जी तो मैम. उसमें बेसिकली टाइप के हिसाब से टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन डिफर्स फ्रॉम द टाइप ऑफ द स्कार एक्टोपिक, और या फिर उसमें ये है कि जो चाहे अल्टीमेट आउटकम है ही हेमरेज और रप्चर, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म फर्क हो जाएगा, एक में स्कार गिव वे कर गया और एक में एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। अच्छा और अच्छा मैडम, इसमें जो उन्होंने पिक्चर दी हुई थी ना वो टाइप 1 था, वो जो एंडो एंडोजेनिक होता है ना, ओके ओके ठीक है एंडोजेनिक था. जो देन अंदर, हाँ ठीक है ठीक दी दे मैडम देन दे वर फोकस्ड ऑन दी द मैनेजमेंट ऑप्शंस रिगार्डिंग है। द सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी. एंड आल्सो देर वाज द वन क्वेरी दैट इफ यू डोंट हैव फैसिलिटी, दैट वाज इन द लास्ट, बट दे आस्क इफ यू डोंट हैव एनी फैसिलिटी हाउ विल यू मैनेज इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑप्शन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट एंड नंबर सेकेंड इज द इफ लोकल. यू डोंट हैव द फैसिलिटी से क्या मुराद है, मैडम वो उन्होंने व्हाट यू आखिर मीन बाय में फैसिलिटी, देखो आखिर. एक स्पेसिफिक हाँ फैसिलिटी जी होती है ना जो कि मेंशन कोई करना चाहता है, अदरवाइज जो इसके बहुत सारे आगे से वेरिएंट्स हैं कि आप ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, जी कुछ मैडम. हैं जो कि आर लिमिटेड टू द हाई रिसोर्स सेटअप्स, और कुछ वो हैं जो लो रिसोर्स सेटअप्स के हिसाब से होते हैं, बट जी वट मैडम. डू दे एक्चुअली मीन बाय दिस के अगर फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तो वट फैसिलिटी दे मीन। मैडम लाइक वी हैव टेल दैट इन केस ऑफ द मेजर हेमरेज और जो पेशेंट मेजर सर्जरी की तरफ जा रही हैं और यू डोंट हैव फैसिलिटी, यू आर इन अ लो सेटअप. तो ये एक लास्ट में जैसे वो कहते हैं ना कि शायद ना मेंशन हो लेकिन ऐसे ही पूछा गया है एक दो लड़कियों से, तो वो भी बता. लेकिन मैडम मैनेजमेंट जो हमने डिस्कस किए वहां पर के स्टार्टिंग फ्रॉम दी मेडिकल मैनेजमेंट दैट इन केस इफ द पेशेंट इज स्टेबल एंड देर इज अनरप्चर्ड केस एंड द बीटा एच सी जी दैट इज लेस देन 5000 एंड गेस्टेशनल सेक इज लेस देन 8 week एंड मेम्ब्रेन थिकनेस इज लेस देन 2 mm, वी हैव टू गिव ईदर द मेडिकल मैनेजमेंट आर वी हैव टू गिव दी लाइक लोकल एम्ब्रियोसाइट्स एज वेल सच एज अ हाइपर और स्मॉलर ग्लूकोज के सी एल एंड द इन सर्जिकल ऑप्शन ऑफ दैट केस वेयर देर इज स्टेबल अनरप्चर्ड लेस देन 8 weeks एंड बीटा आई सी जी लो विथ लेस देन 2 mm मेम्ब्रेन थिकनेस, वी गिव द सर्जिकल ऑप्शन. फर्स्ट वॉज द डायलिटेशन इन क्यूरेट एज एंड द एंडोजीनियस स्पेशली सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी एंड
After that, we perform this under the ultrasound guidance to ensure that we are removing completely tissue, and then we keep the patient on follow-up. But if it is not resolved, this, then we have to proceed like the other way, like hysteroscopic resection to remove the caesarean scar pregnancy mass as the primary treatment, and then either as a primary treatment or following the medical treatment with methotrexate. And the third option might be the laparoscopic or the abdominal approach. That is especially for the exogenous caesarean scar pregnancy. And then the another option is that there is a combined and the sequential management, that first we give the chemoembolization in the form of the uterine artery embolization, and then follow the surgical removal to decrease the risk of the bleeding and to enable the patient's quick recovery. And especially in those cases जो के जिसमें बीटा ईसीजी भी ज्यादा है, सेक्स साइज भी बड़ा है और उसमें जो है वो रप्चर के चांसेस, हेमरेज के चांसेस ज्यादा हैं, या जेस्टेशनल पीरियड जो है वो ज्यादा है. या मैडम उससे रिलेटेड अगर कोई फाइब्रॉइड हो तो उसमें भी लार्ज गेस्टेशनल सेक के साथ अगर पेशेंट को कोई फाइब्रॉइड है तो उसमें भी हम सीक्वेंशनल एंड कंबाइंड ट्रीटमेंट ले सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग एंड फॉर क्विक रिकवरी. In sequential treatment, first of all, we start with the medical management and then followed by the surgical intervention. That is particularly beneficial if there is a persistence of the cervical caesarean scar pregnancy. After this treatment, we keep the patient on the follow-up. That is the follow-up until the caesarean scar pregnancy mass is completely resolved. We keep the patient on monitoring of the beta ICG level and ultrasound assessment. And we also counsel the patient that in the future pregnancy, the risk is like 3.2 to 5.0%. And in case if there is the, especially this risk is higher if the myometrial thickness is less than 5 millimeter. And also we inform the patient that if you are doing the future pregnancies, then we keep you on the close monitoring and early ultrasound, and the subsequent deliveries will be followed by the caesarean section to minimize the risk of the rupture. So basically it covers all the aspects related with the management, kyunki isme jo according to the presence of certain risk factors, you choose the best possible options and according to your infrastructure and according to the competence level available. So isme, but the main basically the basic principle remains ke aap isme jo hai wo medical management dene ke baad aap isme surgical evacuation karte ho, and the suction evacuation remains the safest one, matlab wo curettage karne ki bajaye. और ये जाहिर है जो डिफिकल्ट केसेस हैं या जो थोड़े से चैलेंजिंग केसेस होते हैं या फिर जो जरा थोड़ा सा एडवांस्ड जेस्टेशन में आ गए, उनमें फिर आपको थोड़ी सी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे भी जाना पड़ता है और हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन पे भी जाना पड़ता है, बिकॉज योर एम इज टू रिमूव द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू कम्प्लीटली. मेथोट्रेक्सेट मेडिकल मैनेजमेंट अलोन इज नॉट सफिशियंट और उसमें आपको सर्जिकल इवैक्यूएशन करनी ही पड़ती है, क्योंकि परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्ट टिश्यू जो है वो उसका रिस्क जो परफोरेशन एंड द हेमरेज उसका मेंटेन करेगा, तो उसको हमने कम्प्लीटली रिमूव करना होता है. एंड समटाइम्स इवन आफ्टर द मेडिकल मैनेजमेंट इज ओवर, तो उसमें जो डीजेनरेशन एंड द नेक्रोसिस ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू इटसेल्फ कैन लीड टू द हेमरेज, तो ऑलरेडी जो वीकेंड स्कार एरिया होता है वो उसमें गिव वे कर सकता है. तो उसमें अल्टीमेटली तो यही है जो जिसमें ये सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं, और उसके बाद डेफिनेटली फॉलोअप, क्योंकि जहां पे भी आप इस तरह का आप करते हैं मैनेजमेंट, बिकॉज इवन द सक्शन इवैक्यूएशन में नॉट बी सफिशिएंट एनफ टू रिमूव होल ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू एंड नॉट इवन द मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें भी एक परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टोपिक्स जो है वो तकरीबन उसमें 14-15% तक के परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्ट टिश्यू रहता है. तो उस इसीलिए फिर इसमें पोस्ट जो प्रोसीजर फॉलोअप होता है बाय द बीटा ईसीजी एस्टिमेशन वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर उसके हिसाब से आप उसकी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हो, इधर टू रिपीट द डोज ऑफ मेडिसिन या फिर उसमें उसको जो उस एग्जैक्ट उस एरिया को है उसकी एक्सीजन तक भी आपको जाना पड़ता है. तो ये तो है इसमें.
अच्छा मैडम, ये नहीं क्लियर लिखा हुआ कि बीटा एचसीजी की कब तक फॉलो करना है एंड हाउ, मतलब हाउ इसमें मींस इसमें जैसे इसमें देखो कि दो जैसे वीकली है, वन वीकली है, ओके व्हाट इज द वे? मेडिकल मैनेजमेंट जब आप देते हैं तो उसका तो एक सेट प्रोटोकॉल है कि आपने चौथे दिन और सातवें दिन उसका बीटा ईसीजी रिपीट करवाना है, एंड इफ इट इज अकॉर्डिंग टू एन एक्सेप्टेड जो डिक्लाइन प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक है, विच शुड बी एटलीस्ट 15%, तो आपके तो हमारे ख्याल में ये एक सेटिस्फैक्ट्री डिक्लाइन है उसके बीटा ईसीजी के लेवल्स में. एंड देन वी हैव टू रिपीट इट वीकली जब तक उसके 3 लेवल नेगेटिव ना आ जाए. ये तो उसमें है. अब इसमें जो है वो डिपेंड करता है कि आपने एक मेडिकल मैनेजमेंट दे दी उसके बाद एक सेफ, उसका मकसद ये होता है मेडिकल मैनेजमेंट का ऐसे केसेस में मकसद भी ये होता है, और कि बहुत सारी और भी जो एक टॉपिक्स हैं जैसे सर्वाइकल है या इंटरस्टिशियल है या कॉर्नुअल है या एंगुलर है या इवन जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी है, उन सब में हम जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उसमें हम पहले अमूमन मेथोट्रेक्सेट दे के उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट की जो पेनिट्रेशन, उसकी जो एग्रेसिवनेस है वो चीज़ों को उसको नेक्रोज करते हैं. बिकॉज व्हेन द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू इज नेक्रोज, तो उसके बाद आफ्टर सम टाइम आफ्टर फ्यू डेज जब ये बीटा ईसीजी डिक्लाइन कर जाता है, इसका मतलब है वो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो गिव वे करना शुरू हो गया, वो उसका नेक्रोसिस शुरू हो गया, एंड नाउ उसका जो एक एक्टिव जो उसका सब्सटेंस है प्रोड्यूस्ड बाय द सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट दैट इज डिक्लाइनिंग, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है. एंड देन आफ्टर रीचिंग एट अ सेफ लिमिट ऑफ बीटा ईसीजी देन वी हैव टू गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ हेमरेज एट द टाइम ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर. तो उसका मकसद ये होता है. अब इसमें जो इसमें बेसिकली जो जो मैं बता रही हूँ कि आपने मेडिकल मैनेजमेंट दी चौथे सातवें दिन आपने किया उसमें सेटिस्फैक्ट्री डिक्लाइन है, देन गो अकॉर्डिंगली आफ्टर एवरी 1 वीक टिल 3 लेवल्स आर नेगेटिव, और नेगेटिव का लैब टू लैब थोड़ा सा वेरी करता है बट ऑन जनरल ग्राउंड्स ये less than 10 होना चाहिए इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. तो अच्छा ये इसका एक यूजुअल प्रोटोकॉल है. जितना जल्दी वो डिक्लाइन होगा उतना ही उसकी ट्रीटमेंट की एफिकेसी हमें एंश्योर होती है, क्योंकि अगर ये जो एक एक नॉर्मल जो उसका टाइम पीरियड है जो 8 वीक्स का या इसको हम 56 डेज जो भी कहते हैं तो वो एक नॉर्मल टाइम है, उससे अगर बियॉन्ड जाता है तो वो परसिस्टेंट में आ जाता है, परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू. और दूसरी चीज ये है कि इस सारे अरसे में 56 डेज में या 8 हफ्ते में, अगर इस सारे हफ्ते में उसका डिक्लाइन इज नॉट जो है वो एक सेट पैटर्न के मुताबिक ना आ रहा हो, उसमें स्टैटिक हो जाए या उसमें थोड़ा सा राइज होना शुरू हो जाए, तो देन दैट इज अ वार्निंग साइन. तो वहां पे फिर आप उसकी डोज को रिपीट करते हैं या फिर उसको रीएवेलुएट करते हैं कि टिश्यू रीग्रो करना शुरू हो गया. क्योंकि मेडिकल में अगर आप प्योरली मेडिकल मैनेजमेंट पे डिपेंड करें तो उसमें भी आपको तकरीबन 25-30% में सेकेंड डोज देने की जरूरत पड़ती है, और इसका भी जो बेसिकली जो वजह होती है वो सर्टन प्री एग्जिस्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि बेसलाइन बीटा ईसीजी ही ज्यादा हुए, बड़े साइज की सैक है, एडवांस्ड जेस्टेशन है, इस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो उसमें मल्टीपल डोजेस की तरफ लेके जाते हैं. तो लेकिन ये है कि इसमें फॉलो अप इसका इसी तरह से ही होगा जैसे हम बाकी उसमें करते हैं, एंड इवन आफ्टर द सर्जिकल फोर टू रिस्पॉन्स सेवन डेज जैसे जी भी सेल्पिंग ऑस्टमी जब हम करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक, तो भी हालांकि हमने वो टिश्यू निकाल दिया बट वी हैव नॉट क्यूरेटेड ऑल ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, हम अपनी आंखों से ये तो नहीं देख सकते कि ट्रोफोब्लास्ट अभी कहाँ कहाँ पे पेनिट्रेट किए हुए हैं, हमें तो वो एक मेजर एक स्ट्रक्चर नजर आ गया जिसको हमने मिल्किंग करके या उसको निकाल के हमने उस जगह पे वो एक होल बनाया और वहां से हमने निकाल दिया, लेकिन जो लेफ्ट ओवर ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू हैं जो इनविजिबल हैं विद द नेकेड आई इवन ऑन लेप्रोस्कोपी एंड ऑल अदर थिंग्स, या इवन अगर कर आप लेप्रोटमी पे भी कर रहे हो तो उसके लिए बीटा एसीजी को भी इसी पैटर्न पे ही हमने इस्तेमाल अच्छा किया. लेकिन ये है कि जहां पे हम सर्जरी करते हैं विदाउट गिविंग मेथोट्रेक्सेट वहां पे हम वो 4 और 7वें दिन वाला चीज नहीं करते, उसमें सर्जरी के 1 हफ्ते के बाद फिर
अगेन उसमें डिक्लाइन आ गया तो फिर हमने उसको हर हफ्ते के बाद करना है टिल 3 लेवल्स आर नेगेटिव। तो अच्छा ये मैडम, उसका ये तो यूजुअल फॉलोअप है, सारी एक टॉपिक की मैडम यही है ना फॉलोअप, ऑलमोस्ट उतने यही, दिन ऑलमोस्ट के ये यही है। है। तो हाँ जी मैडम, मैं इसके बीच में उसका प्लेटू आना शुरू हो जाए, स्टैटिक हो जाए, राइज होना शुरू हो जाए, ठीक है, बहुत स्लो डिक्लाइन हो जाए। अच्छा ये मेरा कॉलेज मैडम, छुआया। हाँ एक और क्वेश्चन था जी ये कि जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं पेशेंट को, जैसे हाँ कि हमारे पास फैसिलिटी अल्ट्रासाउंड है जो कि ट्रांस वजाइनल स्कैन या एब्डोमिनल अप्रोच है, जैसे कि ये प्रेगनेंसीज आर लेस देन 8 वीक, तो वी हैव टू गो थ्रू दी ट्रांस वजाइनल स्कैन, तो हाँ इसके थ्रू जो है ना हम दूसरा एड करेंगे कलर डॉपलर, 3D हाँ कलर डॉपलर, दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। बट हाँ अगर जहाँ हमें समझ में नहीं आता तो वी हैव टू गो थ्रू दी हाँ एमआरआई। तो हाँ मैं इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि हमें किस तरह, ये अगर कहें कि भाई 3D डॉपलर हमारे पास। जी एक एक मिनट बेटा, जरा मैं एक फोन सुन लो जरा। हेलो मैडम, हेलो, हाँ जी वैष्णव, हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है, लगवा दो, ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात कर रहे थे आप? मैडम डायग्नोसिस के बारे में, कि जो हाँ डायग्नोसिस ठीक है, होती एमआरआई की है। बात हो रही थी। तो बेसिकली एमआरआई तो वो है जो इसमें एमआरआई की ब्यूटी ये है कि इसमें जो आपने जो लोकल एक एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन है ना बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज, उसमें ये एक आउट क्लास इमेजिंग मोडेलिटी है। तो उस इसी वजह से जो है वो हम इसमें एमआरआई की हेल्प लेते हैं। इफ स्टिल द डायग्नोसिस इज नॉट सेटल्ड ऑन इनिशियल 3D या जो भी अवेलेबल आपके पास फैसिलिटी है उसमें, क्योंकि बार दफा जी इवन स्कार एक्टोपिक पे भी, स्कार एक्टोपिक की एग्जैक्ट लोकेशन, अब देखो स्कार होता है जस्ट इसमें फ्यू मिलीमीटर्स इन अर्ली जेस्टेशन या इन नॉन ग्रेविड यूटरस में, जो बिल्कुल इस्थमस वाला पार्ट होता है वो जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स होता है अपनी पूरी फुल उसकी जो होती है थिकनेस, तो उस पे एग्जैक्टली बाय मिलीमीटर टू मिलीमीटर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन करना इज रियली अ चैलेंजिंग टास्क ऑन अल्ट्रासाउंड। तो इसलिए उसमें गलती का इम्कान हमेशा रहता है, और गलती अगर होगी, क्योंकि ये एक लोअर जो इम्प्लांटेशन भी हो सकती है और ये एक स्कार एक्टोपिक भी हो सकती है, यानी लोअर इम्प्लांटेशन इन द विसिनिटी ऑफ दैट स्कार बट नॉट एग्जैक्टली ओवर द स्कार, तो ये उसमें लोअर प्रेगनेंसी लोअर यूट्राइन प्रेगनेंसी होगी। लेकिन हम अगर उसको एक स्कार एक्टोपिक समझ के उसकी सारी मैनेजमेंट कर दें तो बेसिकली वी आर इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। सो एग्जैक्ट लोकेशन हैज टू बी बेसिकली डिफाइंड विद प्रिसीजन। तो उसके लिए जो है वो एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि वो हमें एग्जैक्टली मिलीमीटर टू मिलीमीटर जो है वो हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता देता है। और ऐसा होता है बार दफा कि एक्चुअली वो स्कार एक्टोपिक नहीं होती, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे हमें स्कार एक्टोपिक की तरह से नजर आती है, क्योंकि 1 मिलीमीटर देखो कितना कम डिस्टेंस होता है, तो इसमें तो एरर के चांसेस होते हैं लेकिन ये चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं ऑन एमआरआई। तो एक इसलिए जहां पे भी थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो, एंड दिस रिमेन्स ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ये जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, कि उसमें भी अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम इसमें कर सकते हैं, जैसे इवन कॉर्नुअल में या जो इंटरस्टिशियल है या जो सर्वाइकल प्रेगनेंसीज है उसमें बार दफा अल्ट्रासाउंड पे इतना बेहतर पता नहीं चलता, तो इसलिए जो है वो इसमें एमआरआई इज ऑफ हेल्प, जी ठीक मैम, है। हाँ लास्ट क्वेश्चन था एक कि जी जो है ना, हाउ यू विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सीजेरियन स्कार प्रेगनेंसी अमंग द ऑब्स्टेट्रिशियंस, तो उसमें फिर यही बताया गया था कि हम जो है ना वो सेमिनार्स अरेंज करेंगे, मीटिंग्स अरेंज करेंगे, ये उनका लास्ट क्वेश्चन था इन हाँ द एग्जाम सिनेरियो, और जो हाँ ना मतलब हम मीटिंग्स अरेंज करेंगे या ऐसे वर्कशॉप्स अरेंज करेंगे जिसमें हम अवेयर करें अबाउट दी सीजेरियन स्कार, और वो जो सीजेरियन हो हाँ रहे हैं बहुत ज्यादा उसकी वजह से ये हाँ और ये वो बहुत तो चलो एक जनरल। जनरल हम कह सकते हैं 20 मेयर्स वाली चीज है। हाँ जी मैडम, बस ये थे मैडम इसके क्वेश्चन।
एक है कि टू क्रिएट द अवेयरनेस, क्योंकि जब तक आपके जहन में एक चीज नहीं होगी यू कैन नॉट डायग्नोज इट। यस क्योंकि मैम, इसमें इसमें जब भी अब जैसे जो अल्ट्रासाउंड की आप बात कर रहे हो कि उसमें पिक्चर थी तो उसके हिसाब से आपने ये डायग्नोसिस बनाया, या इसमें जो है वो एक पॉसिबिलिटी जहन में थी, जी मैम, तो लेकिन ये है कि स्कार एक्टोपिक का अमूमन डायग्नोसिस हमें अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी लिख के भेजते हैं। एंड मोर ओवर द ऑब्स्टेट्रिशियन शुड बी एक्सपर्ट इनाफ टू डायग्नोज इट एज ऑन पिक्चर एंड एज ऑन बाय क्लिनिकल जो सिनेरियो है उसके हिसाब से भी। लेकिन उसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स में तो सबसे पहले फिर यही आता है कि इसमें जो है वो सिजेरियन सेक्शन कम से कम हो, ठीक है। जी दूसरी चीज ये है जो कि हम स्कार टेंडरनेस के हवाले से पिछली दफा भी बात कर रहे थे और मैंने कहा था इसको हम अगली दफा डिस्कस कर सकते हैं अगर टाइम हुआ तो। इसमें बेसिकली टेक्निक ऑफ क्लोजर ऑफ द यूट्राइन इंसिजन। अब टेक्निक में बहुत सारी चीजें हैं। देखो स्कार की जो टाइप है बेसिकली दैट फेवर्स द इम्प्लांटेशन ऑफ जो ये स्कार प्रेगनेंसी है वो, क्योंकि इसमें बाज दफा जो डिफेक्ट्स इन द स्कार होते हैं, खासतौर पे जो उसकी निच होती है जो ट्रायंगुलर रिसेस टाइप है उसके अंदर एक समझो कि एक डिफेक्ट होता है उसके अंदर। क्योंकि देखो स्कार इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स जिसमें जो हम स्कार थिकनेस मेजर भी करते हैं उसमें एक ब्लैडर के म्यूकोजा, इसलिए फुल ब्लैडर पे ज्यादा बेहतर असेस होता है स्कार थिकनेस जो है, तो उसमें उसकी उसकी एक लेयर मस्कुलरिस वाली आ जाती है और एक मायोमीट्रियम वाली लेयर आ जाती है विद द इंटरवीनिंग टिश्यू ऑफ कोर्स उसमें आती है। अब स्कार थिकनेस सिर्फ एक पैरामीटर है जो हम अमूमन सिर्फ स्कार थिकनेस पे ही रिलाई करते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट हो खासतौर पर जो नीच है, यानी कि वो चीज है जो हमारी जो इन इम्प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक उसके नतीजे में ये बनती है जो उसके अंदर एक डिफेक्ट होता है ट्रायंगुलर डिफेक्ट होता है मायोमीट्रियल लेयर का, इनर मायोमीट्रियल लेयर का, तो दिस फेवर्स द स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दिस फेवर्स के ना सिर्फ ये के बल्कि ये फेवर करता है बल्कि इसकी वजह से और भी कई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड चाहे उसमें थोड़ी कम पॉसिबिलिटी हो बट इट कैन लीड टू डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, डिसमेनोरिया भी, डिसपेरुनिया भी, और इसके अलावा पेशेंट सिजेरियन के बाद कोई 6 महीने 12 महीने तक उसको इरेगुलर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग चल रही होती है, और इसके अलावा ये सब फर्टिलिटी की भी एक कॉज बन सकता है, एंड लेटर ऑन व्हेन द पेशेंट गेट प्रेगनेंट तो स्कार एक्टोपिक का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेक्शंस वी हैव टू अपडेट द सर्जिकल टेक्निक ऑफ इंसिजन रिपेयर। तो उसमें जो अमूमन हमारे जो सर्जिकल रिपेयर में जो फॉल्ट्स होते हैं वो अनड्यू यूज ऑफ लॉकिंग सुचर्स, गिविंग इंसिजन लोअर इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, क्योंकि इसको देना चाहिए वेयर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड द अपर यूट्राइन सेगमेंट्स जो जहाँ पे ये तकरीबन इनका वो होता है और ये क्लिनिकली आपको पता चल जाता है। तो इट्स क्योंकि जो आप ऑब्स्ट्रक्टिव लेवर के लिए बाज दफा करते हैं या बहुत बाज दफा ऐसे होता है कि ब्लैडर को आपने बहुत नीचे आपने मोबिलाइज कर दिया जिसकी अमूमन जरूरत नहीं होती, तो अनइंटेंशनली यू गिव ट्राई टू गिव इंसिजन लोअर इन टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तो वो चीज जो है ये वो भी फेवर करती है इसको, लॉकिंग सुचर, फिर इन्फेक्शन हो गया। अब लॉकिंग सुचर के अलावा जो इसमें जो सिंगल लेयर टेक्निक वो भी नहीं, इसमें हमेशा डबल लेयर टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि सिंगल लेयर में आपकी अमूमन जो बिल्कुल इनर थिन मायोमीट्रियल लेयर होती है आप उसको स्किप कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू जो है वो इनवेजिनेट द एंडोमीट्रियम, तो उसको जो कर रही होती है वो भी इस निच फॉर्मेशन को फेवर कर रही होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है। तो जी किस टेक्निक्स हम अपने पीजीज को सिखाएं या अपने जो भी हैं उनको वो सारा ये इसको डिसेमिनेट करें इस चीज को कि हाउ टू रिपेयर इट। तो ये जो चीज है ना ये इसके साथ फिर इन्फेक्शन हैं जो इम्प्रॉपर हीलिंग से रिलेटेड हैं या बाकी कोई बाकी इंडिविजुअल, तो स्कार जो हीलिंग है वो हर एक का इंडिविजुअल भी एक वो होता है, तो इस हिसाब से हमें ये जरा देखना पड़ेगा। तो दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी वो सारी चीजें जिनसे हम स्कार एक्टोपिक का चांस मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर चाहिए इतना कॉमन तो है नहीं है, और जनरली इट इज 1 in 2000, तो लेकिन जी इसको हम मजीद कम कर सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इसमें मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी एसोसिएटेड है।
ड्यू टू हेमरेज। अच्छा ठीक मैम, है, मैम एंडोमेट्रियोटिक ये स्कार हो, मतलब इससे बढ़ सकती है, इससे इसका रिस्क। नहीं एंडोमी क्या एंडोमीट्रियम से क्या मतलब? मैम मैं पूछना ये चाह रही हूँ, जैसे स्कार ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, हाँ जी रिपेयर हाँ कर दिया, रिपेयर कर जी दिया, तो क्या ठीक है। ये रिलेटेड होता है क्या इससे, कि एंडोमेट्रियोटिक स्कार जो, स्कार एंडोमेट्रियोसिस जो हो जाती है। स्कार एंडोमीट्रियम इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। अच्छा स्कार अच्छा मतलब स्कार एंडोमीट्रियम में तो किसी Recording in progress. जी मैडम, तो क्या क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त? आपसे किसी स्टूडेंट ने स्कार एंडोमेट्रियोसिस पूछा था हाँ वो तो उसको तो हमने आंसर कर दिया ना, वो तो खत्म हो गई थी बात मैडम। फिर। ये जो सेकंड वाला टॉपिक था, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन भी था ना आज हमारा हाँ जी टॉपिक हाँ जी हाँ जी, मैडम, चलो मैंने उसका भी स्नेरियो रेडी किया था, तो शुड फिर आई? करो ठीक है, उसको उसको हम कर लेते हैं कवर, ताकि वो भी जी इसमें जी कवर हो मैडम, जाए। थोड़ा सा इसी पर टाइप का है तो मैडम कर लेते मैं, हैं। हाँ जी सिनेरियो ये है मैडम कि यू हाँ आर द ST5 इन द अर्ली प्रेगनेंसी असेसमेंट यूनिट। यू आर अबाउट टू मीट द मिस सारा, 27 ईयर, विथ एन अनप्लैंड अनवांटेड अनवेलकम प्रेगनेंसी एंड अ ओके माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। हर हाँ रिपोर्ट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू एंड शी इज हाँ वेटिंग फॉर यू टू रिव्यू हर रिपोर्ट्स। यू हैव द हाँ 10 मिनट्स इन विच यू हैव टू टेक द हिस्ट्री। बेसिकली मैडम ये किसी MRCUG बुक का है सिनेरियो, तो इन ऑर्डर टू गो विथ द टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम दिस द रिपोर्ट शोइंग सारा और उसके नंबर वगैरह, एज लिखी हुई है 27 ईयर, हीमोग्लोबिन उसकी 13 ग्राम पर डेसीलीटर है, बीटा HCG 1030 है और ओके DVS शोज द नो इंट्रा आर एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी सीन, बट हाँ देर इज अ 2 x 2 cm राइट ओवेरियन सिस्ट एंड द मिनिमल फ्लूड इन द POD। हाँ तो सो शुड आई प्रोसीड मैडम? हाँ जी बिल्कुल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू पेशेंट एंड आई विल कंफर्म द डिटेल्स विच आर प्रोवाइडेड टू मी एंड आई विल एड्रेस द कंसर्न एंड सेट द एजेंडा एंड आई विल टेक द इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन विच आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम द पेशेंट दैट वेन वॉज योर लास्ट पीरियड एंड वर द पीरियड्स वर रेगुलर, आर यू श्योर ऑफ डेट्स, हाउ विल यू कन्फर्म योर प्रेगनेंसी एंड वेन यू कन्फर्म योर प्रेगनेंसी, आर यू फीलिंग नॉजिया एंड वोमिटिंग, डू यू हैव एनी पेन इन द टमी एंड डाउन बिलो, वट इफ इफ शी इज सेइंग यस देन आई वुड गो विद द ड्यूरेशन ऑनसेट नेचर साइड रिलीविंग एंड एग्रावेटिंग फैक्टर्स ऑफ द पेन एंड आई विल प्रोसीड विद डू यू हैव एनी ब्लीडिंग, इफ शी इज सेइंग यस आई विल प्रोसीड विद दैट, वट इज द कलर ऑफ ब्लीडिंग अमाउंट, आर यू फीलिंग एनी सिक आफ्टर ब्लीडिंग एंड डू यू हैव एनी अदर सिकनेस, देन मे आई नो अबाउट योर प्रीवियस प्रेगनेंसीज एंड वट इज योर फ्यूचर प्लान, डू यू वॉन्ट द मोर प्रेगनेंसीज इन द फ्यूचर एंड आर यू यूजिंग द एनी कंट्रासेप्शन एंड विच टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन यू आर यूजिंग, डू यू हैव एनी रिलीवेंट डिस्चार्ज फीवर और पेन एंड एनी सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ कंसर्न्स एंड देन आई विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ टेम्पलेट दैट अबाउट द गायनी हिस्ट्री एंड आर यू अप टू डेट विद योर सर्वाइकल स्क्रीनिंग, एनी मेडिकल हिस्ट्री ऑफ कंसर्न, एनी एलर्जी एंड एनी ड्रग एंड एनी इन्वेस्टिगेशन अप टिल नाउ एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंसर्न एंड देन आई विल ब्रेक द न्यूज टू द पेशेंट दैट आई हैव कन्फर्म योर नेम योर एज एंड MR नंबर, दिस रिपोर्ट बिलोंग्स टू यू एंड एज आई एम लुकिंग यू आर अलोन, इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस अलॉन्ग विथ यूर एनी एनी वन एल्स यू कैन कॉल देम एंड सॉरी
the news which I am letting you is not might be discomfort you, but your I confirm your report with your name and your number and age. It shows that there is a no in no pregnancy in womb or presently or and even it is not shown outside the womb. So 1 minute kaangi okay and ab isme mera sawal hai, if I am the patient whom you are counseling, yes, so my first question would be ke how you can say with surety that this cyst which is shown on the ultrasound, which is 2 into 2 centimeter in size, is not an ectopic? Because the pregnancy of unknown location means that there is no clue on ultrasound as for ectopic and as for intrauterine pregnancy, not even a cyst. Because in the presence of the cyst, you cannot say with surety that it is not an ectopic. Okay. अगर उसमें cyst show हो गई तो मैं सबसे पहले तो यही सवाल आपसे करूंगी, being my doctor जो मुझे counsel कर रहा है, कि इसमें आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये जो सिस्ट है ये एक टॉपिक नहीं है? ये तो ठीक है, इसमें जो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है, बेसिकली यू हैव टू डिजाइन अ केस लाइक दैट कि जिसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, ना यूट्रस से अंदर ना यूट्रस के बाहर, बट प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव. बिकॉज एन अर्ली एक टॉपिक कैन सिमुलेट and an early jo hai this corpus luteum cyst like jo hoti hai pregnancy ke shuru mein normally bhi, ya ovarian ectopic hai ya tubal ectopic hai, to wo to kuch bhi ho sakta hai. Usme to zara aap surety ke sath to kuch nahi keh sakte, ovarian ectopic bhi to ho sakti hai. Yes ma'am, isme agar kuch bhi show na kare, fir aisa scenario ho jisme isme se isko nikal de, acha ke pregnancy hai, प्रेगनेंसी है, लेकिन इसमें कोई यूट्रस के अंदर बाहर कुछ भी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि प्रेगनेंसी कहाँ पे है. ओके, ठीक है, अननोन लोकेशन का तो फिर ये है ना कि जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि उसको हम एक डायग्नोसिस नहीं बना पाते कि इसको अब हम कैसे मैनेज करें, और ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि सम वे यू आर बेसिकली यू कैन इंटरफियर विद द नॉर्मल इंट्रायूटरिन प्रेगनेंसी एज वेल. तो yes. हमें इसमें मेडिकल मैनेजमेंट देते हुए भी 100 दफा सोचना पड़ता है कि ये एक अर्ली इंट्रा यूट्राइन ना हो, क्योंकि okay. उसमें सैक नजर आते रहते भी उसमें एक वाइड रेंज होती है बीटा एसीजी की भी, yes, ma'am. और फीटल फोल्ड नजर आते हैं, फिर कार्डियक एक्टिविटी नजर आने में भी एक वाइड रेंज होती है. yes, तो इसलिए इसको इस तरह से करें, ठीक है, जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा. अच्छा, ये वाली जो आप कह रही हैं सिस्ट है ना, वो निकाल दूं सिनेरियो से? टेस्ट निकाल दो, क्योंकि उसमें फिर उसमें देखो अल्ट्रासाउंड पे ये एरर के चांसेस तो हो सकते हैं. अब ओवेरियन सिस्ट जो है, अब जो ओवेरियन एक्टॉपिक है उसका एक बड़ा क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस ओवेरियन सिस्ट भी होती है, जी मैडम, बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है. जी मैडम. हाँ अच्छा जी, मैडम, शुड आई प्रोसीड? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा मैडम, देन आई विल काउंसिल द पेशेंट दैट दिस रिपोर्ट हैज द मेनी मीनिंग. इन वन सिनेरियो माइट बी इट इज द अर्ली प्रेगनेंसी, दैट इज अ वेरी स्मॉल एंड एंड इन वी कुड नॉट सीन ऑन द अल्ट्रासाउंड, सो वी हैव टू वेट एंड वी रिपीट द स्कैन इन द आफ्टर द 7 days. एंड द सेकेंड सिनेरियो माइट बी दैट यूअर सेक इज मिसकैरेज एंड द प्रेगनेंसी हैज टू बी क्लियर. And in that case, we have to take a repeat test in the 2 to 3 weeks to become negative. In third scenario, might be your sac has been not present in the womb, but might be present in somewhere other side. Are you getting me? तो ये मुझे patient से पूछना भी है कि क्या उसको मेरी बात समझ में आ रही है. तो इस तरह जो है ना, so usually we see the sac once the pregnancy test is positive with the value of more than 1500 international unit. So for your further management, I will do the serum pregnancy test, which I will repeat after the 48 hours. In 48 hours, if your serum pregnancy test showing that the beta HCG level, which is one of the pregnancy hormone, is increased more than 63%, it means that you are growing the normal viable intrauterine pregnancy.
And but it needs to be yet to be confirmed, which I will repeat the 1 to 2 weeks, which I will repeat ultrasound scan after 1 to 2 weeks. In the second scenario, if your pregnancy after the 48 hours, your beta HCG level falls to more than 50%, it means that your pregnancy is the non-viable, but I need yet to be confirmed. For that, I will repeat your pregnancy test after the 14 tests. And in the second sample, if it comes negative, I will not do any action. But if comes positive, I have to wait for the 24 hours. You have to come within 24 hours to the clinic, so we proceed the further management. In the third scenario, if your beta HCG is not increasing to more than 63% and not decreasing to 50, more than 50%, it means that this pregnancy is developing other than the normal site, which is in medical terminology called the ectopic pregnancy. But we need to be confirmed that which is the site. In case it is not known any site, this is called the pregnancy of unknown location. So I will proceed with my consultant in that case to further management, and that management is again depend whether it is a conservative management, medical management, or the surgical management. ये फिर मैं उसे ऑप्शन बताऊंगी पेशेंट को इन केस इफ इट इज प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन. ठीक हाँ है अच्छा, मैम. इसमें बेसिकली इसको जरा अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो जी मैम. जो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है, जो पेशेंट हमारे पास इस बीटा ईसीजी लेवल के साथ आया, तो हम उसको कुछ पॉसिबिलिटीज बताते हैं कि एट दिस लेवल ऑफ बीटा ईसीजी एट दिस मोमेंट वी आर नॉट एबल टू डिफाइन के एग्जैक्ट लोकेशन प्रेगनेंसी की कहाँ है, बट द टाइम विल बी वी विल टेक सम टाइम टू सॉर्ट इट आउट एंड दैट एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वी विल मॉनिटर हर एज पर फॉर बीटा एसीजी राइज या उसके जो लेवल्स जो डिफर करते हैं वो उसके हिसाब से आफ्टर एवरी 48 आवर्स टिल इट रीचिज एट अ सर्टन लेवल. अब इसमें ये जो हम बताते हैं ना कि इसका डबलिंग टाइम है या 65% है या लेस देन 50% है, दैट इज अ जनरल रूल. बट समटाइम्स इवन इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी में भी बीटा एसीजी राइज जो है वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. लाइक इन जस्ट 13-14% तक इतने पेशेंट्स में ये पैटर्न हो सकता है इवन विद अ नॉर्मल इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी एंड द वाइस वर्सा. यानी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें एक नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी के हिसाब से भी राइज हो सकता है, यानी जो डबलिंग टाइम है. सो फॉर द पेशेंट टू अंडरस्टैंड, फॉर अ लेमैन पेशेंट टू अंडरस्टैंड, हम इसको क्योंकि अगर हम एग्जामिनर को एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं तो दैट शुड बी इन एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स. फॉर अ लेमैन पेशेंट हम उसके साथ ही उसको बताएं कि फॉर हर टू अंडरस्टैंड एक डबलिंग टाइम इसका होता है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशंस में उसको 65% तक जो एक एवरेज समझा जाता है वो आप उसको कोट कर सकते हो विद टू थिंग्स ताकि मरीज के लिए समझना आसान हो. तो ये इस पॉसिबिलिटी को भी हमने जहन में रखना होता है कि एक्टोपिक और इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी में जो डबलिंग टाइम है वो 13-14% में वाइस वर्सा भी हो सकता है. सो स्टिल वी हैव टू वेट. अब 1070 के जो लेवल थे इस पे अमूमन अब अगर हमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी नजर नहीं आई कहीं भी और इसके अलावा इंट्रा यूटरन प्रेगनेंसी तो चलो थोड़े से हाई लेवल्स पे जाके जरा पता चलती है, तो वी हैव टू मॉनिटर इट टिल हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए. नाउ इट कैन एडॉप्ट फोर कोर्सेज, फोर लाइंस में अब इसमें जा सकता है. या तो ये इंट्रा यूटराइन में कन्वर्ट हो जाए या इसको एक्टॉपिक में, हम अल्टीमेटली एट सर्टन लेवल्स ऑफ बीटा एसीजी हमें एक्टॉपिक कहीं ना कहीं नजर आ जाए, चाहे वो कहीं पे भी हो, क्योंकि बाज दफा जो एक्टॉपिक अदर देन द ट्यूबल एक्टॉपिक वो हमें थोड़ा सा लेट पता चलती है, जैसे जो है ये एंगुलर प्रेगनेंसी है या जो इंटरस्टिशियल भी बाज दफा या सर्वाइकल बाज दफा, सर्वाइकल का भी इतनी जल्दी बाज दफा पता नहीं चलता. तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें बीटा ईसीजी के हिसाब से, बीटा ईसीजी राइज कर रहा है इसका मतलब है प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है समवेयर,
अब वो प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन में है तो हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाएगी इन, और अगर ये एक्स्ट्रा यूट्राइन है तो भी उसके एक लेवल्स पे आके पता चल जाना चाहिए, और अगर फर्ज किया नहीं है तो ये फिर और राइज कर रहा है लेवल, तो इसका मतलब है ये परसिस्टेंट प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है जो कहीं ना कहीं है। और अगर ये 3000 पे जाके भी इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी में हमें नजर नहीं आया, और ये अगर इतने ही लेवल्स पे हमें एक टॉपिक भी कहीं नजर नहीं आई, तो प्रोबेबली इट इज समवेयर एल्स जिसको हम लोकेट नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में फिर उसकी मैनेजमेंट का हम डिसीजन ले लेते हैं, उससे पहले हम नहीं लेते। यानी जो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ बीटा ईसीजी जिसपे हमें इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन का पता डेफिनेटली चल जाना चाहिए, अगर उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी पता ना चले और बीटा ईसीजी राइज कर रहे हैं तो हमें फिर इसका डिसीजन लेना पड़ता है, ताकि उसमें कोई जो मेटरनल मॉर्बिडिटी है वो कहीं ज्यादा ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो प्रेगनेंसी कहाँ पे है। और ऐसा less than 5% में होता है कि जहाँ पे वो परसिस्ट करता है और हमें पता नहीं चलता उसका कि कहाँ पे चला गया, ये प्रेगनेंसी कहाँ पे लोकेटेड है। अब एक सिनेरियो ये होता है कि जिसमें ये लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, उसमें भी तीनों चीजें हो सकती हैं कि एक तो अननोन लोकेशन वाली प्रेगनेंसी खुद ब खुद ही एट्रोफी कर गई है, या उसको मतलब एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई जहाँ पे भी वो है उसको वो नहीं मिला, वॉट एवर इज द रीजन, लेकिन वो तो खुद ब खुद जो है सेल्फ रिजॉल्विंग है, या फिर इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी फेल हो गई, या फिर एक्ट्रॉपिक जो है जैसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम करते हैं जिसमें बीटा ईसीजी less than 1500 या 1000 होते हैं, तो वो भी सेल्फ रिजॉल्विंग एक्ट्रॉपिक्स होती हैं, तो उसको हमने सिर्फ जस्ट वेट एंड सी। वी हैव टू एक्ट व्हेन प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन में बीटा ईसीजी राइज करता जा रहा है, और उस सूरत में हमें लोकेशन का नहीं पता तो हम उसमें सिस्टेमिक मेथोट्रेक्सेट देते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि सैक कहाँ पे है। और अगर फर्ज की एक्टॉपिक हमें पता चल गई जो क्योंकि उसके चार कोर्सेज है ना, या एक्टॉपिक बन गई या इंट्रा यूटेरिन बन गई या वो परसिस्ट की गया या फेल हो गई है, ये चार उसके हैं प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन के आउटकम्स। तो इंट्रा यूट्राइन में अगर ये अमूमन 3000 पे आपको सैक नजर आना शुरू हो जाती है, तो अगर वो सैक इंट्रा यूट्राइन पे नजर आ गई तो फिर इसका मतलब है ये इंट्रा यूट्राइन है, फिर तो आप उसको अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो अदरवाइज एक्टॉपिक और परसिस्टेंट जो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है उसको आपने मैनेज करना है, ठीक है, बाय व्हाट जो परसिस्टेंट प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है उसको तो आप सिस्टेमिक के उसके साथ देते हो, मेथोट्रेक्सेट के साथ मैनेज करते हो, बाकी जो अगर एक्टॉपिक नजर आ गई है तो एक्टॉपिक की जगह के हिसाब से आप उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे अगर स्कार एक्टॉपिक है या ट्यूबल प्रेगनेंसी है या कोई भी है वो उसमें उसके हिसाब से हम मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन का सिनेरियो है जो कि अमूमन अर्ली जेस्टेशन में हमें तकरीबन 10 into 30% में ये केसेस ऐसे मिलते हैं कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, बीटा ईसीजी ज्यादा राइज कर रहा है, लेकिन हमें कहीं प्रेगनेंसी नजर आ नहीं रही, जस्ट वेट एंड सी फॉर हर एक इंच। हेलो हेलो, हाँ जी, चलो मैं ऊपर ही हूँ बस, मैं ठीक है, मुझे हाँ मुझे फिर बता देना। हाँ कर दो, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन का मतलब सिंपल, अगर आप इसको इस तरीके से याद रखोगे तो ये मुश्किल नहीं होता कि इसके क्या चार आउटकम्स हैं और उस आउटकम के हिसाब से हमने इसकी मैनेजमेंट करनी हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल? मैडम, इसका भी फॉलोअप जो है वो यही होगा ना कि हाँ जैसे बिल्कुल, हम फॉलो अप तो उसी कोई तरह से हमारा चल फोर रहा टू है। देखिए सेवन डेज हाँ, हाँ जी डबलिंग टाइम हम इसका देखेंगे तो वो दजारे वो तो हमने हर 48 आवर्स के बाद देखना है, बाकी अगर हमें मेथोट्रेक्सेट देने की जरूरत पड़ी है तो उसका एक अपना सिनेरियो है कि चौथे दिन करो, सातवें दिन करो, उसके बाद वो 15% डिक्लाइन हो गया तो फिर, क्योंकि बार दफा मेथोट्रेक्सेट लगाने के फौरी बाद हम इसको चौथे दिन क्यों करते हैं, वो इसलिए कि मेथोट्रेक्सेट लगाने के बाद इसको ये थोड़ा सा बीटा ईसीजी लेवल राइज करता है ड्यू टू दैट नेक्रोसिस एंड वो जो है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू उसकी वजह से, तो वो फिर हमें एक फॉल्स इंप्रेशन दे सकता है अगर हम इसे अर्ली करें तो।
तो इसको फिर हम वही चौथे सातवें दिन और उसके बाद वो 15% डिक्लाइन है, तो फिर हर हफ्ते उसको करते जाओ, ठीक है। मैम ये मीथोट्रेक्सेट सिर्फ 2 ही दफा लगा सकते हैं ना, 2 के बाद तो रिपीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, 2 दफा लगा सकते हैं, लेकिन बास केसेस में हम इसकी डोज और भी, उसमें फिर हमें फुलिनिक एसिड रेस्क्यू देना पड़ता है, जहाँ पे हमें 2 से ज्यादा देनी पड़े, जो डोजेज हैं वो देनी पड़े, तो लेकिन अमूमन 2 डोजेस तक ही होता है। और ये इसका जो एक ऑल्टरनेट है वो एक्टिनोमाइसिन डी होता है, मेथोट्रेक्सेट का। मैडम वो तो जब चलिए, कंट्रा इंडिकेशन हो ना मीथोट्रेक्सेट की, तो हाँ फिर वो हो, एक्टिनोमाइसिन वही मैं कह रही हूँ ना कि उसका एक डी। ऑल्टरनेट इन केस इट इज नॉट जी अवेलेबल, इन केस इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यस तो मैम, उस सूरत में फिर हम उसको एक्टिनोमाइसिन डी को एक ऑल्टरनेट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छा अमूमन मैडम में। ये वाला ही अगर सिनेरियो हो और रोल प्लेयर हो, तो क्या हम वहां पे ये काउंसलिंग में सारे ऑप्शन तक जैसे अभी आपने सारे ये बताएंगे, देखो बताएंगे ना? उसको प्रेगनेंसी का पता ही नहीं कि कहाँ पे है, हाँ यूपीटी उसका पॉजिटिव है, शी इज क्वाइट स्केयर्ड अबाउट इट, क्योंकि शी हैज हर्ड अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सो शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट। तो अच्छा मैडम इस एक ऐसी सवाल है। सूरत में हाँ फिर हमें बताना पड़ेगा कि इसमें 50% तक तो चांसेस हैं कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी में ये कन्वर्ट हो जाए, और इसके अलावा जो इसमें हम इसको कहेंगे कि 20% चांसेस ये हैं कि ये एक्टॉपिक में, एक्टॉपिक ही के तौर पे हमारे सामने आए, ठीक है। ठीक है, और ये तकरीबन अगर ये फिर भी एक्टॉपिक और इंट्रा यूटर्न नहीं होता, तो उसमें से ज्यादातर खुद ब खुद एट्रॉपी हो जाता है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, और वो फेलिंग, इसको हम कहते हैं फेलिंग प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। और सिर्फ 5% से कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये परसिस्ट करता है और हमें कहीं प्रेगनेंसी नजर नहीं आ रही होती, बीटा एसीजी राइज कर रहा है अकॉर्डिंग टू वॉट एवर पैटर्न, उसमें फिर हमें सिस्टेमिक मेथोट्रेक्सेट देनी पड़ती है। तो ये आप मरीज को क्लियर कट वर्ड्स में बता दो कि या तो ये एक्टॉपिक बन जाएगी, या ये ज्यादा चांसेस है कि इंट्रा यूट्राइन के तौर पे ही सामने आए, या ये एक्टॉपिक हो जाएगी, और या फिर ये खुद ब खुद एट्रॉपी हो जाएगा, और 5% से भी कम चांसेस है कि ये रहे इसी तरह से और किसी प्रेगनेंसी में कहीं नजर ना आए, उस सूरत में हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं ताकि ये यहाँ पे भी है वहां पे ये एट्रॉपी हो जाए। इसको डिले करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि कहीं इंट्रा यूट्राइन अनइंटेंशनली हम इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी को इंटरफेयर ना कर दें बाय गिविंग मेथोट्रेक्सेट। जी मैडम, दे दैट इज वाई वी आर गोइंग विद द मतलब कंजर्वेटिव फॉलो अप। अच्छा मैडम, ये जो मैंने सिनेरियो आपके साथ पढ़ा था ना, तो उसमें हाँ लिखा हुआ है कि अनवेलकम, अनप्लैंड, हाँ अनवांटेड। बेसिकली अब देखो अगर एमआरसीयूजी के एग्जाम में है ना, तो उसमें तो सीधा सीधा होगा कि आप टर्मिनेट कर दो, अच्छा ठीक है ना। वहां तो इवन प्रेगनेंसी विद अ स्पाउस या बॉयफ्रेंड या वो सारी उनके भी सिनेरियोज होते हैं, तो जी जाहिर है मैडम, वो हम ऐसे तो नहीं अप्लाई कर सकते ना इन आर सेटअप, तो इसी तरह सही से भी अनप्लैंड चाहे हमारे सेटअप में भी हो, लेकिन वी डोंट गो फॉर द टर्मिनेशन अनटिल एंड अनलेस इट इज इंडिकेटेड अदरवाइज। अच्छा, तो अगर ये ये नॉर्मल काउंसलिंग में इंट्रा हमने यूट्राइन, ऐड करना होगा कि हाँ हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है इसमें ठीक है, इसमें अगर इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी आ जाती है, तो फिर तो हमने उसको कैरी ही करना है, जी मैडम, अनलेस देर इज अ फीटल और मेटर्नल इंडिकेशन नॉट टू कैरी ऑन विद द प्रेगनेंसी, वो तो हम फिर इसी लेवल पे कर देंगे, यस मैम, ठीक आगे है मॉनिटर हमें करने की जरूरत ही नहीं है अगर ठीक है मैम, इंडिकेशन ऐसी है। तो इसलिए जो है ना, ये चीज हम उस तरह से टर्मिनेशन की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएंगे। सही हो गया। थैंक यू मैम मैम एक प्लीज आपकी काइंडली रिपीट कर सकते हैं, ये जो मीथोट्रेक्सेट जो जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड उसमें एक्टोमाइसिन भी देना होता है, उनको भी हम उसी तरह देते हैं मतलब मीथो की तरह ही देते हैं, मतलब फर्स्ट हम लगाएं और उसकी फिर बीटा डेफिनेटली, इंपॉर्टेंट। उसकी डेफिनेटली डोज, उसका शेड्यूल जो है वो फर्क होता है, लेकिन यूजुअली ये अमूमन नहीं हम देते, क्योंकि ज्यादातर तो मेथोट्रेक्सेट था, ये तो जस्ट बाय द वे जस्ट टू नो अबाउट द ऑल्टरनेट नेम हम देते हैं, वरना अदरवाइज तो मेथोट्रेक्सेट के बारे में ही आपको पता होना चाहिए कि कैसा कितनी स्पेसिंग से, अगर ज्यादा डोज देनी पड़े तो फिर उसके साथ क्या है, इसके मॉनिटरिंग पैरामीटर्स क्या है, यानी अगर आपने मेथोट्रेक्सेट देना है तो उससे पहले आप टेस्ट कौन से करवाओगे, अगर रिपीट की डोज तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे बार दफा अगर जो है वो प्लेसेंटा रिटेन हम कर लेते हैं इंटेंशनली भी, या कुछ मतलब ऐसा होता है कि जिसमें एक्टॉपिक में भी, तो उसमें हम हमेशा जहाँ पे डोजेस हमें रिपीट करनी पड़ती हैं, और इन केसेस ऑफ कोरियो भी जहाँ हम डोजेस रिपीट करते हैं,
तो उसमें भी हमने जो प्रीलिमिनरी टेस्ट हमारे होते हैं वो सारे वो सीबीसी, जिसमें जो कीमो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स आर ऑलवेज कीमो सेंसिटिव, या मेथोट्रेक्सिड से जो अफेक्ट होते हैं रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स, जिसमें सारे आपके WBCs आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, फिर उसमें LFTs इम्पेयर होने के चांसेस होते हैं। ये सब चीजें हैं जो फिर हमने देखनी होती हैं कि पहले से कोई प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये हम एक जो है वो उसकी सूटेबिलिटी फॉर दैट ड्रग, और फिर ये बाद में ये यूज होता है टू डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट ड्रग। यानी एक तो हमने ये देखा कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो हमने ड्रग दे दिया इसके बाद इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा ये तो था। अब जो थोड़ी सी चीज मैं कवर करना चाह रही थी, जो हमारा जो एक लेफ्ट ओवर चीज थी वो ये था कि इसमें थोड़ा सा स्कार टेंडरनेस पे बात हम कर रहे थे पिछली दफा, तो इसको क्विकली 5 मिनट्स में हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ताकि फिर अगली दफा की हमारी चीजें लिंगर ऑन ना करें और इम्पोर्टेंट चीजें रह ना जाए। तो इसमें जो स्कार टेंडरनेस वाली चीज है, ये सबसे कॉमन हमारा क्लिनिकल साइन होता है अमूमन टू डिटरमिन एनी प्रॉब्लम विद द स्कार। जैसे स्कार डिहिसेंस है या स्कार रप्चर के साथ तो फिर और बड़ी चीजें आ जाती हैं, बट स्कार डिहिसेंस इज यूजुअली साइलेंट, यानी जिसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा शायद फीटल उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या टैकीकार्ड या मेटरनल टैकीकार्ड या वाली चीज आ जाए, या CTG में चेंजेस आ जाए, लेकिन उसमें क्लिनिकली इन ऑलमोस्ट 48% ऑफ द केसेस क्लिनिकली इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द स्कार डिहिसेंस सिंपली बाय चेकिंग द स्कार टेंडरनेस। क्योंकि देखो स्कार टेंडरनेस तो उस वक्त भी हो सकती है जब स्कार डिहिसेंस अभी ना हुई हो, रप्चर के साथ तो हो जाएगा, लेकिन स्कार डिहिसेंस होने के बावजूद तो जो है वो उसको बार दफा स्कार टेंडरनेस नहीं होती, और स्कार टेंडरनेस होने के बावजूद स्कार रप्चर या स्कार डिहिसेंस नहीं होती, ये वाइस वर्सा होता है। और काफी ज्यादा इसमें जो है वो फॉल्स पॉजिटिव होता है लेकिन फॉल्स नेगेटिव के चांसेस कम होते हैं। तो इसमें जो है स्कार टेंडरनेस उस वक्त भी हो सकती है जब जब लोअर सेगमेंट डिस्टेंड हो रहा होता है इन द प्रोसेस ऑफ लेबर। तो इस डायलेमा को हल करने के लिए हम अमूमन अल्ट्रासाउंड पे स्कार थिकनेस को डिटरमिन करते हैं। अब स्कार थिकनेस को डिटरमिन करने के लिए जो पहले अभी हमने स्कार एक्टोपिक में भी डिस्कस किया कि इसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम द जो है ये ब्लैडर के म्यूकोजा से लेके जो उसका मस्कुलैरिस जो मायोमीट्रियम की जो इनर लेयर है वहां तक, इसीलिए ब्लैडर फुल होना जरूरी होता है। तो इसमें जो इसकी स्कार थिकनेस जो है वो वेरी करती है फ्रॉम जेस्टेशन टू जेस्टेशन, बट एट टर्म इट शुड बी मिनिमम इट शुड बी 3 to 3.5 mm, और अगर ट्रायल लेनी हो तो अगर वी बैक की ट्रायल है तो उसमें फिर 3.5 mm से ज्यादा होनी चाहिए। बट स्कार थिकनेस इज जस्ट वन पैरामीटर, स्कार थिकनेस के साथ उसकी पूरी फुल जो उसकी स्कार की लेंथ होती है उसमें आपने ये देखना होता है कोई डेफिशिएंट एरियाज तो नहीं है, कोई बैलूनिंग तो कहीं नहीं है, कहीं पे उसमें कोई रेसेसिस वगैरह तो नहीं बनी हुई, जैसे ट्राइंगुलर रेसेसिस जो हम निच की बात कर रहे थे वो तो नहीं है, उसमें कोई आउटर बॉर्डर्स की बैलूनिंग तो नहीं है, स्कार वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें, यानी उसकी थिकनेस ऐसा तो नहीं कि वेरी कर रही हो, और स्कार थिकनेस वेरी करने के साथ उसकी इररेगुलरिटी या उसमें इंडेंटेशन तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्कार थिकनेस जो है वो 2.8 mm है और लेकिन रेगुलर है, उसमें यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो दैट इज अ बेटर स्कार रादर देन एक स्कार थिकनेस जो कि एक जगह पे तो 4 mm आ गई बट इट इज डेफिशिएंट इन अनदर एरिया, और उसकी स्कार थिकनेस वेरी करती है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्कार, दैट इज मोर रिस्की स्कार। तो इस वजह से एब्सोल्युटली एक पैरामीटर पे हम डिसाइड नहीं करते, इसके अलावा वेस्कुलैरिटी भी जो स्कार की होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जिसपे हम डिसाइड करते हैं अबाउट वी बैक ट्रायल, अबाउट टाइम ऑफ द डिलीवरी। तो टाइम, क्योंकि जैसे प्रीवियस 2 है या 3 है तो उसपे हम बाद दफा अगर स्कार टेंडरनेस आ जाए हम स्कार थिकनेस की तरफ जाते हैं, और उसपे ये फिर सारी चीजें भी देखनी चाहिए जो कि एक अल्टीमेट उसका डिटर्मिनेंट होता है अबाउट द सेफ्टी ऑफ स्कार।
और बाकी जो स्कार थिकनेस को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं वो सारी उसकी स्कार हीलिंग से रिलेटेड हैं, और विद द इंसिजन क्लोजर टेक्निक से भी रिलेटेड हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं जरा ये बताना चाह रही थी आपको स्कार उसके बारे में। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन अब नहीं है और तो हम इसको फिर क्लोज करें अपने सेशन को। तो कोई एक आध क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड अस्सलाम आपको वालेकुम मैडम। वेस्टर्न मैडम आपने बताया कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, अगर हमें मतलब बीटा एसीजी रिपीट करवा रहे हैं तो हमें नहीं मिल रही मतलब कहीं बेबी, तो फिर हम हाँ, सिस्टमेटिक मेथोड देंगे, वो तो देखो वो वो कब तक उस वक्त वेट करेंगे, मतलब वो कितनी नहीं बीटा एसीजी। वो उस वक्त हम डिसाइड करेंगे जब वो मैक्सिमम लिमिट बीटा ईसीजी की पहुंच गई जिसपे हमें इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी नजर आ जानी चाहिए, और उसके साथ साथ बीटा ईसीजी के साथ साथ डेफिनेटली हम इसको टीवीएस भी करवा रहे हैं, क्योंकि बीटा ईसीजी राइज कर रहे हैं तो हमने टीवीएस पे साथ के साथ देखते जाना है कि अब प्रेगनेंसी कहाँ पे है। तो उसकी लोकेशन को हमने देखना है, सॉर्ट आउट करना है कि अब ये बीटा ईसीजी तो 2000 हो गया, 2500, 2500 पे तो वैसे भी इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक नजर आना शुरू हो जाती है, और इस तरह जब इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक नजर आ जाए तो उस पे भी जो सैक का साइज है उस पे 20 एक मिनट, हेलो बस डाउन, हाँ और Type 1 है, Type 1 B cells है। अच्छा, रिकवर कर जाती है, हेड कहाँ पे है? हाँ वो ऊपर ही है, वो ऊपर ही है, लेफ्ट लेटर में कर ले। हाँ मैं आके देखती हूँ जरा वो भी। हाँ ठीक है, ठीक है, स्पेस स्पेस फोन एक लगा दो, स्पेस। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए मुझे जरा थोड़ा बेटा वाइंड अप करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्लास अपनी बंद करते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे अब कौन सा टॉपिक अभी करना है। ठीक है, ठीक थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।